हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको फिर से एक चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका अपना बड़ा योगदान है। अपने अपने कार्यों में सभी सक्षम है, वैसे ये भी पौधा बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, इसके तो वैसे तो अनेक गुण हैं, पर मैं आपको एक ही चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, वैसे इसके भी बहुत सारे नाम हैं, पर मैं इसे अपनी भाषा में बताना चाहूँगा। इसका नाम है लटजीरा। दोस्तों, मैं आपको जिस उपयोग में बताने वाला हूँ उसे कहते हैं कि फालिस। दोस्तों, फालिस कैटेगरी में बहुत ही उपयोग में लाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके यूज के लिए दोस्तों इसे 4-5 पत्ती तोड़ के सवा काली मिर्च मिला के सिलबट्टे में पीस के कपड़े में छान के पीड़ित व्यक्ति की नाक में 4-5 बूंद डाला जाता है। अगर वो नहीं अपने आप से अंदर नहीं खींच पा रहा है तो पपीते की जो डाल होती है, पत्ता होता है, उसका डंठल जब तोड़े तो उसमें पाइप नुमा होता है, छेद होता है, उसको आप जो है 4-5 इंच का ले लीजिए, उसमें भर के रोगी के नाक में फूंक दीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ लहसुन, 2-8 दर्जे की लहसुन की जो एक लहसुन का पूरा बंडल कह लीजिए, उसको जो है कंडे की आग पे या उपले की आग पे भून के सुबह शाम 2-2 छील के जरूर खिलाएं। साथ में ही दोस्तों 12 सिंगे का सिंग ले करके आप उसे पत्थर पे घिस के थोड़ा पानी डाल के घिस लें थोड़ा थोड़ा रोज, और सरसों के तेल में मिला के जो है जिस अंग पे फालिस का अटैक हो दोस्तों वहाँ पे आप ऊपर से नीचे की तरफ मालिश कीजिए। यकीनन दोस्तों, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको जो है शीघ्र ही आपको इसका फ़ायदा दिखाई देगा। 1 हफ्ता 10 दिन का जैसे यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने फायदे होते हैं इसके। ये रहा दोस्तों लटजीरा का पौधा, ठीक से पहचान लीजिए। अभी इसमें बाली नहीं है, पेड़ छोटा है, कहीं कहीं इसको चिलचिट्टा भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है क्योंकि जितने पेड़ हैं उतने नाम हैं और एक एक पेड़ के बहुत सारे नाम। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है इस तरह हो गया है। ये देखिए, इसमें बाली निकली हुई है। बड़ा पेड़ होगा तो आपको ऐसे दिखेगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये है लटजीरा। वैसे तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों, तो अगला उपयोग मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और दोस्तों, इसे ज़रूर यूज करें। अगर किसी को पैरालिसिस या फालिस का अटैक है तो आप इसे ज़रूर बताएं। ये सुबह और शाम 2 टाइम किया जाता है, और लहसुन में आपको सुबह शाम खाना है, कंडे की आग पे भून के अच्छे से छील के खाना है, और साथ में ही 12 सिंगे की सींग को घिस के सरसों तेल में थोड़ा सा पका के थोड़ा सा मालिश करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।